हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने आपके बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री की क्लास शुरू कर दी है, जो भी बच्चे बीए थर्ड सेमेस्टर में हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनको मेडिवल जो हिस्ट्री है वो पढ़ना है, और आपको आधुनिक भारत का इतिहास अपने बीए थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है, और जिसकी क्लास मैंने शुरू कर दी है। 1757 ईस्वी से लेकर 1950 ईस्वी तक की जितनी भी घटनाएं हुई है वो सभी आपको अपने बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री में पढ़ना है। और मैंने आपके हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के इतिहास की प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप उसमें चेक करके पढ़ लीजिएगा। एक सीक्वेंस में मैं सारी वीडियोस को अपलोड कर रही हूँ। और जैसा कि आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ रहे हैं, तो जिनका ये सब्जेक्ट होगा उसमें तो उनके लिए भी ये सारी वीडियोस हेल्पफुल होंगी, और जिनका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है उनके लिए भी हेल्पफुल है और सब्जेक्टिव वालों के लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि जो सारे पॉइंट हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो मैं सब वीडियो के अंदर कवर करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्य समाज के बारे में। देखिए, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की थी। तो जैसा कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के क्रम में आज का वीडियो चौथा वीडियो है। तीन वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को लेकर के, तो आप पहले वीडियो से देखिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। वैसे जैसे मैंने आपको बता दिया था शुरुआत में ही कि भारत में जो समाज है, भारत के समाज में उस टाइम बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी था, कुरीतियाँ भर प्रसिद्ध थी, प्रचलित थी, बाल विवाह, सती प्रथा, महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, इस तरह की जो कुरीतियाँ थी समाज में फैली हुई थी। तो समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग थे वो उभर कर सामने आए और उन्होंने आंदोलन चलाया, उन्होंने खुलकर विरोध किया कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए, समाज से बहुत सारे आंदोलन चलाए जिसमें आर्य समाज का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो आज हम आर्य समाज को पढ़ेंगे। हमने इसके पहले क्या पढ़ा था, हमने ज्योतिबा फूले और सत्यशोधक समाज के बारे में पढ़ा था जिसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी, और सेकेंड वीडियो में हमने पढ़ा था प्रार्थना समाज और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में, और फर्स्ट वीडियो में हमने राजा राम मोहन राय और ब्राह्म समाज के बारे में पढ़ा था, तो आप देख लीजिएगा। आइए अब आर्य समाज के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आर्य समाज के संस्थापक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके जो क्वेश्चन आएंगे यहीं से आएंगे। तो देखिए, जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। तो दयानंद सरस्वती का जो जन्म हुआ था वो 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। किस गांव में? टंकारा गांव में, 1824 ईस्वी को गुजरात के टंकारा गांव में हुआ था। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। उनके माता पिता यशोधा बाई और लालाजी तिवारी रूढ़िवादी ब्राह्मण थे। अब देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो बचपन का नाम था वो मूल शंकर तिवारी था, बाद में ये दयानंद के नाम से विख्यात हुए। तो ये प्रश्न परीक्षा में पूछ भी चुका है पहले। देखिए, दयानंद सरस्वती का बचपन का क्या नाम था? मूल शंकर तिवारी था। बाद में यही मूल शंकर तिवारी दयानंद सरस्वती के नाम से विख्यात हुए। वह एक भारतीय दार्शनिक, सामाजिक नेता और आर्य समाज के संस्थापक थे, याद रखिएगा। उन्होंने देखिए अपना गृह त्याग दिया था, अपने शुरुआती जीवन में ही उन्होंने अपना घर त्याग दिया, छोड़ दिया, और 15 वर्षों तक, ये वर्ष रहेगा ओके, 15 वर्षों तक वो सत्य की खोज में तपस्वी के रूप में स्थान स्थान पर घूमते रहे और सत्य की खोज करते रहे। 15 वर्षों तक ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहे, भटकते रहे। तो याद रखिएगा, 1845 से 1860 ईस्वी तक, यानी कि 15 वर्षों तक वो स्थान स्थान पर तपस्वी के रूप में घूमते रहे थे, अपने घर बार को छोड़ दिया था। यहाँ से इनके जो प्रारंभिक जीवन से प्रश्न आएगा वो यहीं से आएगा, तो याद रखिएगा। आइए अब आर्य समाज के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कहाँ पर की? मुंबई में। पहले बम्बई नाम था, अब मुंबई के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बम्बई में की गई थी, और फिर बाद में 1877 ईस्वी में लाहौर में इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया। पहला जो मुख्यालय था वो बम्बई में ही स्थापित किया गया था।
तो बाद में स्वामी जी ने 1877 ईस्वी में लाहौर में अपना मुख्यालय बनाया। आर्य समाज वैदिक धर्म का एक सुधार आंदोलन है, याद रखिएगा, वैदिक धर्म का एक सुधार आंदोलन है आर्य समाज, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखिए, स्वामी जी शुद्ध वैदिक परंपरा के पक्ष पोषक थे, उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा लगाया। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने लगाया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लगाया, क्योंकि इनका जो ये आंदोलन था आर्य समाज, ये पूरी तरह से वैदिक धर्म में सुधार का एक आंदोलन था। तो याद रखिएगा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने लगाया, दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद का जो उद्देश्य था वो ये था कि भारत को सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए, इसलिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, ताकि भारत को जो सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय रूप है उससे एक कर दिया जाए, लोगों में ये जो जाति प्रथा, भेदभाव, ये सारी चीजें हैं वो खत्म हो जाए। धार्मिक क्षेत्र में मूर्ति पूजा, बहुदेववाद और अवतारवादी, पशु बलि, श्राद्ध, जंत्र मंत्र, तंत्र को इन्होंने स्वीकार नहीं किया, इन सभी का विरोध किया। देखिए, जिस तरह हमने ब्राह्म समाज में देखा था कि ब्राह्म समाज जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, वो भी मूर्ति पूजा के खिलाफ था, बहुदेववाद यानी कि एक ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए सभी लोगों को, ब्राह्म समाज ने ये बताया। तो ठीक उसी तरह आर्य समाज भी था, मूर्ति पूजा का भी विरोध किया आर्य समाज ने, बहुदेववाद का विरोध किया, अवतारवाद का, पशु बलि और जो श्राद्ध है, जंत्र मंत्र तंत्र है, इन सभी को आर्य समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया, इन सभी का विरोध किया। आर्य समाज का जो प्रभाव था वो ज्यादातर पश्चिमी और उत्तरी भारत में फैला, यानी कि जो आर्य समाज का प्रभाव था वो पश्चिमी भारत और उत्तरी भारत में ज्यादा रहा, तो प्रश्न पूछ देगा इसलिए याद रखिएगा। आर्य समाज में मूर्ति पूजा, पशु बलि, श्राद्ध, बाल विवाह आदि का विरोध किया गया। देखिए, बाल विवाह का विरोध किया गया आर्य समाज के द्वारा। इसके अलावा महिलाओं के लिए भी बहुत सारे आर्य समाज ने कार्य किए, महिलाओं का समर्थन किया, महिला शिक्षा का समर्थन किया, महिलाओं के अधिकार का समर्थन किया, उस पर आवाज उठाई, तो याद रखिएगा। स्वामी दयानंद के जो विचार थे इन सारी चीजों के खिलाफ, जैसे मूर्ति पूजा, पशु बलि, श्राद्ध, इन सभी चीजों के खिलाफ जो स्वामी दयानंद के विचार थे, तो उनकी प्रसिद्ध जो पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, उसमें उन्होंने पूरा वर्णन किया है। तो सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती की, और इस पुस्तक में स्वामी दयानंद ने अपने सभी विचारों का वर्णन किया है। तो याद रखिएगा, पुस्तक भी एग्जाम में पूछ देगा कि किसकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, तो स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। अब देखिए, अगला पॉइंट है आपका आर्य समाज के सिद्धांत। देखिए, ये सारी जो बिंदु मैं आपको बता रही हूँ, सारे पॉइंट आपके एग्जाम में पूछेगा। सबसे पहले देखिए, जिनका थ्योरी पेपर आता है, सब्जेक्टिव पेपर आता है, तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, आर्य समाज के बारे में पूरा निबंध लिखिए, लॉन्ग में पूछेगा, तो आपको उसके संस्थापक के बारे में पूरा एक्सप्लेन करना होगा, आर्य समाज के बारे में, उसके उद्देश्य के बारे में, और आर्य समाज के क्या सिद्धांत थे, क्या कार्य थे, वो सब आपको पूरा एक्सप्लेन करके लिखना होगा। तो अभी देखिए, हम सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद हम आर्य समाज के कार्य भी पढ़ेंगे अभी, तो इसलिए सारी चीज़ों को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा, तो आप पूरा इसी तरह से लिख डालिएगा। ये नोट्स भी मैंने आपके लिए बनाया है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एग्जाम में ये नोट्स आपके काफ़ी काम आएंगे। तो देखिए, आर्य समाज का जो पहला सिद्धांत है, सभी सत्य विद्या और पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। तो ये सिद्धांत याद रखिएगा, ये सारे सिद्धांत आपको याद रखने हैं। दूसरा सिद्धांत देखिए, वेद ही सत्य और परम ज्ञान है, क्योंकि इन्होंने वैदिक धर्म का समर्थन किया, उन्होंने इसके बारे में बताया। तो देखिए, वेद ही सत्य और परम ज्ञान है, परम ज्ञान के स्रोत है, अतः उनका पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना प्रत्येक आर्य का परम धर्म है, ये सिद्धांत भी याद रखिएगा। तीसरा देखिए, सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने की सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, कि जो सत्य है उसको ग्रहण किया जाए और जो गलत है, जो झूठ है, असत्य है, उसको त्यागा जाए, उसको छोड़ने की इंसान में उतनी ताकत होनी चाहिए कि असत्य के खिलाफ बोल सके और सत्य को एक्सेप्ट कर सके।
अब देखिए अगला सिद्धांत है अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। अविद्या का नाश कर देना चाहिए और विद्या की वृद्धि जितनी हो सके उतनी करनी चाहिए। पांचवा सिद्धांत देखिए संसार की शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए कि संसार की जो भी शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति है उसको सदैव उसको प्रयत्नशील उसमें उसके लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। हमेशा मानव को कोशिश करते रहने चाहिए। तो ये सारे सिद्धांत याद रखिएगा। आइए अब आर्य समाज के कार्य पढ़ते हैं। अब देखिए आर्य समाज के कार्य, अब हम आर्य समाज के कार्य देखेंगे। देखिए आर्य समाज ने जो पहला कार्य किया, जाति प्रथा का पूरी तरह से विरोध किया। दूसरा, स्त्रियों को पुरुष के समान अधिकार दिए जाने की भी आवाज उठाई, क्योंकि उस टाइम समाज में जो महिलाओं की स्थिति थी वो पुरुषों के अकॉर्डिंग बहुत खराब थी। महिलाओं को शिक्षा नहीं ग्रहण करने दिया जाता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो आर्य समाज के द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने के लिए आवाज उठाई कि समाज के अंदर महिला और पुरुष का एक बराबर अधिकार होना चाहिए। तीसरा, देखिए 1908 ईस्वी में आर्य समाज ने दलित वर्ग के उत्थान के लिए आंदोलन चलाया। समाज में उस टाइम जो दलित वर्ग था उसकी स्थिति भी बहुत खराब थी, और जितने भी महान समाज सुधारक उभर कर सामने आए थे उन सभी ने महिलाओं की स्थिति को सुधारने और दलित वर्ग की स्थिति को सुधारने में खुलकर आवाज उठाई थी और सभी को न्याय भी दिलाया। भारत में जगह जगह पर डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की भी स्थापना की गई। तो याद रखिएगा 1846 ईस्वी में दयानंद सरस्वती के द्वारा इनकी प्रेरणा से ही डीएवी कॉलेज की भी स्थापना की गई थी। देखिए डीएवी का फुल फॉर्म है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल या कॉलेज की स्थापना की गई, और जो पहला डीएवी कॉलेज था वो लाहौर में स्थापित किया गया था और महात्मा हंसराज इसके प्रधानाध्यापक थे। तो प्रश्न पूछेगा कि पहला डीएवी कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया, तो लाहौर में किया गया था, और उसके प्रधानाचार्य कौन थे, तो महात्मा हंसराज थे। और आज बहुत सारे डीएवी कॉलेज चल रहे हैं, याद रखिएगा। अब देखिए रामकृष्ण मिशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए रामकृष्ण मिशन भी समाज सुधार और सामाजिक धार्मिक सुधार में अपना कई सारा कितने सारे योगदान दिए हैं। तो जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी 1897 ईस्वी में। तो अब हम रामकृष्ण मिशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितने भी समाज सुधार आंदोलन रहे हैं, जितने भी समाज सुधारक रहे हैं 19वीं सदी के, सब आपको याद रखना है, और सभी पर मैंने वीडियो बना दी है तो आप देख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम रामकृष्ण मिशन के संस्थापक के बारे में पढ़ेंगे और फिर रामकृष्ण मिशन की स्थापना और उसके कार्य के बारे में पढ़ेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले हम स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। तो कब हुआ था, 12 जनवरी 1863 ईस्वी को, 63 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था, यानी पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। और स्वामी विवेकानंद का जो बचपन का नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। तो एग्जाम में पूछ देगा स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, तो नरेंद्र नाथ दत्त था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक वर्ष यानी कि प्रतिवर्ष हर साल स्वामी विवेकानंद की जो जयंती है, इनका जन्मदिन है, प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिनका सब्जेक्टिव पेपर आता है या फिर ऑब्जेक्टिव आता है तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। तो याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद का जो जन्मदिन है वो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है 12 जनवरी को, याद रखिएगा। और फिर देखिए इनका नाम स्वामी विवेकानंद किस तरह पढ़ा, तो देखिए 1893 ईस्वी में खेतड़ी राज के जो महाराजा थे जिनका नाम था अजीत सिंह, तो इन्होंने ही अनुरोध किया, तो इनके अनुरोध पर ही स्वामी विवेकानंद जी ने अपना नाम विवेकानंद रख लिया। तो यहीं से इनका नाम स्वामी विवेकानंद हुआ और इनको हम सभी लोग स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। देखिए जो स्वामी विवेकानंद थे वो कालांतर में स्वामी रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए। देखिए जो रामकृष्ण परमहंस थे
जब स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से मिलते हैं तो उनको अपना गुरु स्वीकार कर लेते हैं। तो प्रश्न पूछ देगा कि स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे, तो रामकृष्ण परमहंस के। रामकृष्ण परमहंस गुरु थे और स्वामी विवेकानंद शिष्य थे, तो याद रखिएगा। और फिर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के जो भी सिद्धांत थे उनका प्रचार प्रसार करने में लग गए। तो आपको याद रखना है, डाउट ना हो आपके आपका, इसलिए फिर से बता दूं कि स्वामी विवेकानंद शिष्य थे, स्टूडेंट थे, और स्वामी रामकृष्ण परमहंस ये गुरु थे, तो याद रखिएगा। और जब ये इनसे मिलते हैं, इनको अपना गुरु बना लेते हैं, और जो भी रामकृष्ण परमहंस के सिद्धांत थे उन सभी का प्रचार प्रसार करने में स्वामी विवेकानंद जी लग जाते हैं। 1893 ईस्वी में शिकागो में जो सर्वधर्म सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो स्वामी विवेकानंद जी ने उसमें भी भाग लिया था, और इनके भाषण से वहां पर मौजूद सभी लोगों को इन्होंने काफी प्रभावित भी किया। देखिए, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। तो प्रश्न पूछेगा कि स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर ने विवेकानंद के संबंध में लिखा है कि यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। तो ये किसने लिखा है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वामी विवेकानंद जी के लिए लिखा है। तो देखो, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन आएगा कि यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए, ये कथन किसका है। चार ऑप्शन देगा, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर आपका राइट आंसर होगा। और सब्जेक्टिव वाले को तो पूरा एक्सप्लेन करके लिखना होगा क्योंकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा। उसके अलावा जो पश्चिमी देश के लोग थे वो स्वामी विवेकानंद को साइक्लोनिक मॉक ऑफ इंडिया भी कहते थे। तो साइक्लोनिक मॉक ऑफ इंडिया किसको कहा था पश्चिमी देश के लोगों ने, तो स्वामी विवेकानंद को कहा था। तो ये सारे जो पॉइंट हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको याद रखना है। आइए अब रामकृष्ण मिशन की स्थापना के बारे में पढ़ते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो कब की थी, 1897 ईस्वी में की थी। वे अपने इस मिशन के माध्यम से आजीवन यानी अपने जीवन भर समाज सुधार एवं धर्म सुधार के कार्यों में लगे रहे। इन्होंने भी बहुत सारा समाज सुधार किया और धर्म सुधार में अपना सहयोग दिया है। इसके अलावा देखिए, रामकृष्ण मिशन एक ऐसा संगठन है जो मूल्य आधारित शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, युवा एवं आदिवासी कल्याण एवं राहत तथा पुनर्वास के क्षेत्र में काम करता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि रामकृष्ण मिशन एक ऐसा संगठन है जो इन सभी के लिए काम करता है। रामकृष्ण मिशन के कार्य, अब देखिए कि रामकृष्ण मिशन ने क्या क्या कार्य किए हैं। देखिए, देश भर में शिक्षा संस्थानों की स्थापना भी रामकृष्ण मिशन के द्वारा इन्होंने की थी। दूसरा है, देश विदेश में इन्होंने भारतीय संस्कृति का भी प्रचार प्रसार किया। उसके अलावा रामकृष्ण मिशन ने मानव जाति की सराहनीय सेवा की, मानव जाति की जो सेवा भी की रामकृष्ण मिशन ने। इसके अलावा जनता की जो दशा थी उस टाइम समाज में, उसको सुधारने पर भी रामकृष्ण मिशन ने बहुत तेजी से बल दिया। अब देखिए, स्वामी विवेकानंद की मृत्यु, तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, कब हुई थी, तो 4 जुलाई 1902 ईस्वी में इनकी मृत्यु बेलूर मठ में पश्चिम बंगाल में हो गई थी। तो ये भी प्रश्न आपका पूछेगा, और जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इनकी उम्र सिर्फ 39 साल थी, तो याद रखिएगा 4 जुलाई 1902 ईस्वी में बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आई होप आप रामकृष्ण मिशन के बारे में, स्वामी विवेकानंद के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे, और आर्य समाज और आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती के बारे में भी समझ गए होंगे। तो आपका ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। इसके अलावा अगर आप अपने BA थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, हिंदी गद्य पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उसके लिए भी एक बार आप चैनल पर विजिट कीजिएगा। आपकी सभी सब्जेक्ट की क्लास कराई जा रही है, मॉडल पेपर की वीडियोस लगातार अपलोड हो रही है, तो चैनल पर विजिट कीजिए।